तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपके चैनल से रीयूज्ड कंटेंट एकदम से हो जाएगा रीयूज्ड, मतलब खत्म, जिसे बोलते हैं एकदम टक से छोकर बाहर को निकल जाएगा रीयूज्ड कंटेंट आपके चैनल से। कैसे, आज की इस वीडियो में पूरा निचोड़ करके बताने वाला हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा फाइंड किया है। और यूट्यूब टीम से अगर मैं आपको दिखाऊं, यहां पर देखो मैं अभी आपके सामने दिखाता हूं, वीडियो बनाते टाइम यूट्यूब टीम से बात कर रहा हूं। यहां टाइम हो रहा है रात को, आपको मैं दिखा दूं टाइम क्या हो रहा है। एक सेकेंड आप वेट करें तो आपको टाइम भी पता चल जाएगा। यहां पर टाइम हो रहा है 11:30 और 11:30 पर हम YouTube टीम से कर रहे हैं बातें, जो कि आपके लिए। क्यों कर रहा हूं बातें, यहां पर देख लो, पूरी डिटेल में YouTube टीम से बात की कि भैया ऐसे ऐसे जो काम तुम करवा रहे हो क्यों करवा रहे हो, क्यों रीयूज्ड कंटेंट लोगों के चैनल पर भेज रहे हो, रीयूज्ड कंटेंट तुम भेज देते हो, इतनी मेहनत 2-1 साल की बेकार हो रही है, उसका सोल्यूशन तो दो। सिर्फ रीयूज्ड कंटेंट भेजने से काम नहीं चलेगा, यूट्यूब ने मुझे जो बताया है वो सारा एक एक करके आपको बताने वाला हूं। और यह भी आपको बता दूंगा कि आज एक स्पेशल ट्रिक बताने वाला हूं, उस ट्रिक से आपके चैनल पर रीयूज्ड कंटेंट अगर है और आपको लगता है कि गलती से यूट्यूब ने रीयूज्ड कंटेंट दिया है, तो 2-3 दिन के अंदर आपका चैनल यूट्यूब मोनिटाइज कर देगा, यह मेरी गारंटी है आपसे। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लोगे अगर आप, तो आज के बाद आपके चैनल से रीयूज्ड कंटेंट का नामो निशान मिट जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने हमारी पिछली बहुत सारी वीडियो देखी जिसमें रीयूज्ड कंटेंट मैंने आपको बताया है और बहुत से चैनल को रीयूज्ड कंटेंट से मोनेटाइज भी करवाया है, यहां तक कि 2.5 लाख सब्सक्राइबर वाले चैनल को भी रीयूज्ड कंटेंट से मुक्त करवा दिया है, मुक्ति दिला दी है। तो यहां पर 5 बातें हैं, जो 5 बातों को अगर आप समझोगे तो आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहला प्रॉब्लम यही है कि रीयूज्ड को हटाएं कैसे। अब रीयूज्ड को हटाने के लिए हमें सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि हमारे किस वीडियो पर है, तभी हम रीयूज्ड को हटा पाएंगे। जब आपको यह पता करना हो कि हमारे किस वीडियो पर रीयूज्ड कंटेंट है, आपको बता देता हूं कि यूट्यूब टीम को जब आप अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए भेजते हो तो यूट्यूब टीम 3-4 चीजें आपके चैनल पर देखती है। सबसे ज्यादा व्यूज वाले वीडियो को देखती है, सबसे ज्यादा व्यूज वाले वीडियो को देखती है, बार बार कह रहा हूं। उस पर अगर क्लेम आया है या फिर कॉपीराइट आया है या फिर आपने किसी दूसरे का कंटेंट यूज किया है और अपना उसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है, तो आप उस वीडियो को डिलीट कर देना, भले ही उस वीडियो से आपको 4000 घंटे का वॉच टाइम क्यों ना मिला हो। अगर आप नहीं डिलीट करोगे तो मोनेटाइज नहीं होगा। ये उनके लिए है जिनके चैनल पर रीयूज्ड कंटेंट आ गया है। और अगर आपके चैनल पर अभी तक रीयूज्ड कंटेंट नहीं आया है, आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो आपको बता दूं कि एक बार बिना देखे आंख बंद करके यूट्यूब टीम को भेज देना मोनेटाइजेशन के लिए। लेकिन इतना ध्यान रखें कि 1-2 वीडियो अगर होगी आपके चैनल पर रीयूज्ड की तो चल जाएगी, अगर 10-20-15 वीडियो होंगी तो मोनेटाइज होने के बाद भी तुम्हारा चैनल रीयूज्ड के कारण मोनेटाइजेशन बंद कर देगा, यह ध्यान रखना। इतना मैं इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि आज मैंने यूट्यूब टीम से बात की है। फाइंड करने की बात आपको समझ में आ गई होगी, सबसे ज्यादा व्यूज वाले वीडियो को देखना है, उस पर किसी दूसरे का कुछ भी कंटेंट ना हो। दूसरा कि आपके चैनल पर जो कल परसों में वीडियो अपलोड की हो, सबसे लास्ट वाली जो वीडियो, उस वीडियो को देख लेना, उसमें कुछ ना हो। तीसरा कि आपके जिस वीडियो से सबसे ज्यादा वॉच टाइम मिला है उस वीडियो को देख लेना। और इसके बाद आपको देखना होगा कि आपने टाइटल में कुछ और, थंबनेल में कुछ और वीडियो में कुछ और तो नहीं बताया है। अगर ऐसा कुछ किया होगा तो आपके चैनल पर मिसलीडिंग कंटेंट आ जाएगा, जो कि वो भी रीयूज्ड कंटेंट की तरह ही है। ठीक है, ये हो गया आपको रीयूज्ड कंटेंट फाइंड कैसे करना है। अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि सर मेरे चैनल पर एक भी वीडियो किसी दूसरे की नहीं है, कुछ भी मैंने यूट्यूब से गलत नहीं यूज किया है, मतलब यूट्यूब जो बोलता है सिर्फ और सिर्फ वही यूज किया है, तो अब आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। अब मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं कि अगर आपके चैनल पर कुछ भी ऐसा नहीं है, जैसे आपको लगता है कि सारी वीडियो मेरी है, वॉइस मेरी है, सब कुछ मेरा है, फिर भी रीयूज्ड भेज दिया यूट्यूब ने, ऐसा फिर मैं यूट्यूब को कैसे समझाऊं कि मैंने इतनी ज्यादा मेहनत की है। यूट्यूब को समझाने के लिए तुम्हें 2-3 काम करना है। सबसे पहला कि अपने अगर तुम फेस वीडियो नहीं बनाते हो तो एक फेस वीडियो बनाओ, एक वीडियो तुम्हारे फेस की बनाओ, उस पर आप बताओ, उस पर क्या बताना है, तुम्हें यह बता रहा हूं, उस पर यह बताना है कि
देखो मैं किस तरीके से अपना सारा वीडियो बनाता हूं या बनाती हूं, तो वहां पर आपको अपने इक्विपमेंट पर दिखाना है कि मैं ऐसे ऐसे ये वीडियो बनाती हूं, इतनी ज्यादा मेहनत करके बनाती हूं, किसी का कुछ भी कॉपी पेस्ट नहीं करती हूं, ये आपको बताना है। नहीं करता हूं, नहीं करती हूं, कुछ भी आप बोल सकते हैं। अगर आप लड़की हैं तो करती हैं, लड़का है तो करते हैं, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि मैं देख लो इतना मेहनत करता हूं ये सारी वीडियो बनाने में और मैंने किसी दूसरे का कंटेंट नहीं यूज किया है, पहली बात ये हो गई। दूसरा, आपको अपने फेस कैम की वीडियो बनाने के बाद लिंक डिस्क्रिप्शन में डालनी होगी अपने सोशल मीडिया हैंडल की, सभी सोशल मीडिया हैंडल की लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल देना। इतना काम आपने कर लिया, इतना काम करने के बाद आपको करना होगा जो मैं अब स्टेप बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। इस स्टेप को फॉलो कर लोगे, चैनल तुम्हारा 2 से 3 दिन के अंदर मोनेटाइज हो जाएगा, अगर तुम मेरी बताई हुई बातों को 100% फॉलो कर लोगे। ट्विटर अकाउंट ओपन करो, ट्विटर पर जाओ, ट्विटर पर @ लगाओ, टीम यूट्यूब लिखो और वहां पर मैसेज करो टीम यूट्यूब को कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर कोई ऐसा वीडियो नहीं अपलोड किया है जो कि रीयूज्ड कंटेंट हो, प्लीज आप मेरे चैनल को चेक करिए, आपके द्वारा ये मिस्टेक की गई है, इसलिए मेरे चैनल को रीयूज्ड कंटेंट में डाल दिया गया है और मैं यूट्यूब से पैसे नहीं कमा पा रहा हूं, जबकि यूट्यूब पर मैंने अपने सालों की मेहनत लगाई है एडिटिंग करने में, वॉइस ओवर करने में, वीडियो रिकॉर्ड करने में और अपने व्यूअर को नॉलेज देने में। ये आपको YouTube टीम से बताना होगा। उसके बाद जितने भी लोग आपके चैनल पर वीडियो देखते हैं, चाहे वो 1 हो या फिर 100 हो या फिर 1000 लोग हो, अगर आपकी वीडियो देखते हैं तो उनसे आप एक वीडियो बनाकर बताइए कि प्लीज जाइए YouTube टीम को रीट्वीट करिए, जहां पर मैंने ट्वीट किया है वहां पर YouTube टीम से आप लोग बोल दीजिए कि ये जो वीडियो बनाते हैं वो ओरिजिनल वीडियो होती है, इन्हीं की वीडियो होती है, इन्होंने कॉपी पेस्ट नहीं किया है। ये काम करने से आपके चैनल को मोनेटाइज यूट्यूब 2 से 3 दिन के अंदर कर देगा। लेकिन यहां पर ध्यान रहे कि अगर आप आलसी हैं, चोर हैं, काम चोर हैं, या फिर आप सोचते हैं कि बस कुछ नहीं है YouTube पर, अब जितना कर दिया बहुत है, ये है, तो आपका चैनल कभी मोनेटाइज नहीं होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्यों कह रहा हूं कि आप आलसी हैं या कामचोर हैं या फिर चोर हैं। आलसी इसलिए कह रहा हूं कि आपने दूसरे की वीडियो उठाई और अपने चैनल पर अपलोड कर दिया, इसे बोलते हैं आलस। और दूसरा कि अगर आपने दूसरे की वीडियो उठाई और थोड़ा सा एडिटिंग कर दिया, उसमें कुछ फनी नहीं यूज किया, ना ही अपना वॉइस यूज किया, इसे बोलते हैं कामचोर। और अगर आप चोर हैं कि सिर्फ और सिर्फ वीडियो ही उठाकर कुछ भी नहीं करते, डिट्टो सब कुछ सेम करके अपलोड कर देते हो, मोनेटाइज कभी नहीं होगा। अगर आप इन 3 चीज हैं, चोर, कामचोर, आलसी, तो आपका चैनल कभी भी यूट्यूब मोनेटाइज बिल्कुल नहीं करेगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। अब यहां पर बहुत से लोग कहते हैं कि सर मेरा चैनल मोनेटाइज था उसके बाद रीयूज्ड कंटेंट आ गया। मैं आपको बता दूं, तुम्हारा चैनल मोनेटाइज था, रीयूज्ड कंटेंट इसलिए आया क्योंकि तुमने बहुत सारी वीडियो रीयूज्ड डाल दी है अपने चैनल पर। एक वीडियो, 2 वीडियो, 3 वीडियो चलता है, चल जाता है, यूट्यूब कुछ नहीं बोलता, जैसे ही तुम्हारे चैनल पर 10-15-20 वीडियो हो जाती हैं और तुम्हारे चैनल पर रीयूज्ड कंटेंट लगता है कि अब ज्यादा हो रहा है, उसी टाइम यूट्यूब तुम्हारे चैनल पर रीयूज्ड कंटेंट भेज देता है और मोनेटाइजेशन बंद कर देता है। तो अब इससे निपटारा पाने के लिए तुम्हें एक ही काम करना होगा, जितनी रीयूज्ड कंटेंट वीडियो डाल रखी वो बंद डिलीट करना, उसके बाद यूट्यूब को दोबारा से रीअप्लाई करना, राइट। और यहां पर आपको एक और बता दूं कि ये सारी जितनी बातें, इन सभी बातों को प्रैक्टिकल तरीके से ही यूज करके बताया है आपको, और आप इस चीज को अपने माइंड में बिठा लीजिए कि अगर आपको अपनी यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करवाना है तो आपको ये सारी प्रक्रिया करनी होगी अपने चैनल के लिए, ठीक है। और इतना काम आप करोगे तो डेफिनेटली 1001% गारंटी लेता हूं तुम्हारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। लेकिन इन केस अगर आप ये सब काम करते हैं और फिर भी नहीं होता, तो मुझे इंस्टाग्राम पर यहां पर मैसेज करना, रिप्लाई आपको वहां पर मिलेगा,
प्रॉपर गाइडेंस दूंगा। और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर हम आपके चैनल को देखते हैं और टाइम टू टाइम रिव्यू करके कमेंट करके बताते रहते हैं कि आप अब ये काम मत करिए, आप इस टाइप से काम मत करिए, इस टाइप की गलती प्लीज मत करिए। ये सारी इंफॉर्मेशन मैं देता रहता हूं अपने दोस्तों को। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा रीयूज्ड कंटेंट फाइंड कैसे करते हैं, रीयूज्ड कंटेंट के लिए क्या करूं अब, और आपका चैनल जल्दी से जल्दी मोनेटाइज हो और आप डॉलरों में खेलने लगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, और आपको जो बातें बताई है इस पर फोकस करना। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, जिससे कि आपके पास हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।